नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय गांव टुडे में। दोस्तों तो हम बता दें, पूजा का जो समय है बिल्कुल नजदीक आ चुका हुआ है। अब दो चार रोज के भीतर में पूजा आरंभ हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो है चाय श्रमिक जो है बोनस को लेकर अपना आंदोलन जो है जारी रखे हुए हैं। डुअर्स के विभिन्न बगानों में ये आंदोलन जो है आंदोलन देखने को मिल रहा है। चाय श्रमिक का जो धरना है, धरना क्रम से चल रहा है। तो हम अभी बता दें कि हाल में ही दो रोज पहले आप देख पा रहे हैं कालचीनी प्रखंड के जो रायमटांग चाय बगान है वहां पर भी क्या दृश्य हुआ था, वहां लॉकआउट का नोटिस लगाया गया था। इसी तरह जो है विभिन्न बगानों में आपको समस्या देखी जा रही है। आज जो है प्री नोटिस जो है निमती चाय बगान, निमती झोरा चाय बगान की ओर से जारी किया गया है। तो एक ये चाय बगान के में जो एक समस्या हर वर्ष देखने को मिलती है, जो बोनस को लेकर एक समस्या होती है, इस वर्ष भी वही समस्या देखने को मिल रहा है। चाय श्रमिक जो है लगातार जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम निमती झोरा से सीधे आपको जुड़वाएंगे, वहां की क्या समस्या है, वहां पर श्रमिक जो है क्या मांग कर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इतनी बैठक के बाद जो है यहां पर जो कोलकाता में एक बैठक संपन्न हुई 19% पे जो फैसला हुआ है, उसके बावजूद जो है यहां पर श्रमिकों में एक मायूसी देखी जा रही है। जो एक विभिन्न जगहों में जो बोनस को लेकर अभी भी समस्या जो चल रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो पूजा है, पूजा कहीं ना कहीं खनन होता दिख रहा है दोस्तों। तो अभी हम सीधे ले चलते हैं आपको निमती झोरा और वहां की सीधी तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आप बने रहिए और आप देखते रहिए जय गांव टुडे। धन्यवाद दोस्तों जी। आपका नाम? लिली राव। तो आज में क्या मैंने यहाँ पर जो गैदरिंग जो दिखाई दे रहा है, इसके संबंध में कुछ बोलेंगे आप? हाँ बोलूंगी। क्या हम लोग का बोनस का विषय लेके यहाँ पे सब कोई बैठे हैं। हाँ। हम लोग का उद्देश्य है कि हम 20% बोनस चाहिए। कलकत्ता में बैठक हुआ, उसमें 19% का डिक्लेयर हुआ। 19% से फिर हम लोग घटाया गया 17.5%। तो हम लोग 17.5% में राजी नहीं है और 20% बोनस चाहिए। और अभी सुनने को आया और मैनेजमेंट के ओर से इन चिट्ठी दिया गया है कि लॉकआउट करेगा। आज हम लोग अपना हक, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो उचित अधिकार है उसको हम मांग रहे हैं, तो वो लॉकआउट का बात कर रहा है। जब हम लोग पिछले साल पत्ती इतना दिया है पत्ती कि 20 से ऊपर होना चाहिए हम लोगों का परसेंटेज, फिर भी कम दे रहा है, उसमें हम लोग राजी नहीं है। और आज लॉकआउट का बात कर रहा है। जब हम लोग ज्यादा पत्ती देते हैं तो उस टाइम क्यों नहीं कहता है मालिक कि पत्ती ज्यादा क्यों दे रहा है? आज हम लोग पत्ती जो दिया है उसी को ना हम मांगेंगे, दूसरा तो नहीं मांगेंगे ना। ठीक। आपका नाम? लिली उराव। आप क्या कोई माने संगठन से है? हाँ। कौन सा संगठन? टीएमसी। आप लोग जो यहाँ पर जो गेट मीटिंग जो कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है बोनस। कैसे क्या हो रहा है जी? बोनस जो है सो मालिक पक्ष सीसीपीए के एग्रीमेंट में 17.5% किया है, लेकिन यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो लीडरशिप है वो 17% नहीं लेगा, 20% की मांग कर रहा है। इसी के विरोध में कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं पर मौखिक सुना है जी कि क्या बगान लॉकआउट वाले एसी वाली बात में, ये बात क्या सच है क्या? हाँ, कल रात में एक प्री लॉकआउट नोटिस दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से सारे नेतृत्व को जी, कि यदि यही परिस्थिति रहा तो मैनेजमेंट बगान छोड़ के चला जाएगा, इस तरह का नोटिस मिला है जी। आपका नाम? संजय कुमार झा। आपकी कोई संगठन से? मैं BTW का एडवाइजर हूँ जी। आपका नाम? कृष्णा माझी। ये जो यहाँ पर जो मैंने कुछ मैंने गेट मीटिंग दिखाई दे रहा है, ये इसके संबंध में कुछ जानकारी देंगे आप? हाँ, जानकारी ये है कि जो गेट मीटिंग हो रहा है, ये जो हमारा 7.5-7.17 जो बोनस का जो फैसला हुआ है जी, उसको हम लोग धिक्कार जनाते हैं। क्योंकि हम लोग का श्रमिक लोग बीते बार जो मेहनत किया है, वो मेहनत के वजह से मालिक दो दो बगान भी लिया, आज जब बोनस का दिन आता है तो परसेंटेज को मारता है। तो इसीलिए हम लोग ये जो परसेंटेज दिया है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए हम लोग का आंदोलन चल रहा है। और कहीं पर सुना मौखिक तरफ पे जो कि मैंने बगान कोई कर्तृपक्ष को कोई नोटिस दिया है ऐसा वाली बात, क्या ये बात कहाँ तक सच है? कर्तृपक्ष की नोटिस ने रात को एक नोटिस दिया मैनेजमेंट ने। हाँ। रात को मैनेजमेंट ने नोटिस दिया, वो दिया है जो मैंने काम उम नहीं जाने से हो सकता है लॉकआउट हो जाएगा बगान, ये बोल के दिया है। उसके लिए हम लोग मजदूर है तैयार। आपका शुभ नाम? कृष्णा माझी। आप कौन से संगठन से? तिलमुर चाय बगान सभी कुनिया जी। आपका नाम? पूर्णिमा सिंह बड़े। हाँ।
तो ये आप जो आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं तो ये कौन सी विषय पर है? बोनस के लिए, जैसे कि हम लोगों को 20% बोनस चाहिए, तो हम लोग का जो बागान मालिक है वो हम लोग को 17.5% देना चाहता है। इसी वजह से कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, हम लोग को 20% बोनस ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना फायदा देते हैं मालिक को, यहाँ पे बागान में काम करके इतना फायदा कमाता है, फिर हम लोग का बोनस में कटौती करना चाहता है, तो हम लोगों को 20% ही बोनस चाहिए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं धूप में, बारिश में, जंगल में, इसलिए हम लोग को 20% ही बोनस चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सुनने को खबर मिला जी कि दुर्गा पूजा का चंदा वाली बात कुछ ऐसा? हाँ, जैसे कि हम लोग का दुर्गा पूजा में चंदा परमानेंट वर्कर का 200 और बीघा और यहाँ पे भावचर है उन लोगों का 100 करके काटा गया है, तो वो पैसा मालिक ने भी उसको भी रखा हुआ है। हम लोग का जैसे कि 2,00,000 हुआ है, उसमें 50,000 1,73,000 हुआ है, वहाँ पे 50,000 यहाँ पे जो कमेटी है, पूजा कमेटी, उसके हाथ में दिया है और बाद बाकी का मालिक ने उसको अपना अकाउंट में रखा हुआ है, पैसा भी हम लोग को रिटर्न नहीं किया है। वो पैसा तो उनके पास रखने का अधिकार नहीं है, वो तो मजदूर का कमाया हुआ पैसा था। मजदूर का पैसा है, मजदूर ने यहाँ पे दुर्गा पूजा करने के लिए पैसा दिया है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग का कहना क्या है कि जब तक इसका मीमांसा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग तब तक आंदोलन करते जाएंगे जितना दिन तक हम लोग का कोई फैसला नहीं होने तक। हम दीपक लोहार। तो किस विषय पे लेके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? विषय है एक्चुअली बोनस का जी। हालांकि हम लोग सुनने में पाया है हर जगह में अच्छा ही बोनस मिल रहा है, डिक्लेयर हुआ है 19%। जहां तक हम लोग यहां का डिक्लेयर अलग से मालिक बैठ के फैसला लिया गया है ऐसा सुनने में आया है। 17.5% हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जितना हो सके कम से कम 20% दो, और 20% नहीं होने से भी जहां हर बगान में डिक्लेयर हुआ है 19%, कम से कम 19% दिया जाए यहाँ। इसीलिए हम लोग टोटल वर्कर यहां का धरना देके बैठे हैं, कल से चल रहा है, इतना ऊपर से जहां तक लगता है सुनवाई हो, मालिक हम लोग का बात सुने, और हम लोग ये भी देखा है मालिक हम लोग का मतलब भरण पोषण उस टाइप का सुझाव नहीं दे रहा है। अभी मान लीजिए पूजा चंदा तक भी अटका के रखा है, चीनी का पैसा काटा हुआ था। पूजा के चंदा कैसे अटका के रखा है? वो तो श्रमिकों का पैसा काटा हुआ पैसा है। हाँ, लेबर का काटा हुआ पैसा है, वो कम से कम 1,91,000 हुआ है जी। उसमें से 50,000 दिया गया है, हम लोग वो बायना दे के रखे है, हर जगह में एडवांस दिया है 10,000-20,000 ऐसे करके दिया है, अब वो ही हिसाब में 50,000 भी खत्म हो गया जी। और अभी मैनेजर को बोल रहे हैं कि जो बाकी है उसे दो, और मालिक मैनेजर यही बात बोलता है कि मैंने आप लोग कीजिए ना, हम लोग है तो। मैंने इसका मतलब ये तो सरासर गलत है, मजदूर का कमाया हुआ पैसा में से कितना करके काटा है पर मजदूर? पर मजदूर बीघा बाउचर 100 रुपया, परमानेंट वर्कर 200 रुपया, सब स्टाफ 300 रुपया। मैंने ये मजदूर के जो काट के जो पैसा रखा है वो पूजा के लिए जो काटा गया है वो पैसा भी अपने पास रखा है? हाँ, अपने पास रखा है। ये तो बहुत बड़ा गलत है। गलत है, इससे पहले भी रेशन का चीनी पैसा था, उसमें भी हम लोग सुनने में आया है 50,000 जब हो गया उस टाइम में भी उसे अटका के रखा है जी। आपका तो इसी कारण अभी टूही बाबू जो रेशन बाबू है हम लोग का, तो वो लोग मतलब कैश पैसा लेकर ही चीनी दे रहा है। अब पहले चीनी का पैसा किंतु मैंने एक्चुअली पेमेंट से काट लिया गया था, काट दिया गया था, किंतु वो मैंने रेशन खाते में जमा नहीं हुआ है। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक लोहार है, और द्वारा बागान वर्कर्स यूनियन से बिलोंग करता हूँ।